वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हंटर के वीडियोस दो डाले थे मैंने बैक टू बैक, और बैक टू बैक डालने का रीज़न ये था कि कल रक्षाबंधन था और रक्षाबंधन में लोग बिजी हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा एक ही दिन में दोनों डाल देता हूँ। दोनों वीडियो पे रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आया, लोगों को पसंद भी आए। बाइक भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है, काफ़ी अच्छी है, लाइट वेट है, तो बाइक का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स वगैरह मुझे काफ़ी सही लगा। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए दिस बाइक इज़ परफेक्ट, आई मस्ट से दिस। तो आज का एजेंडा ऐसा है कि अपनी राइड आने वाली है, अभी नहीं थोड़े दिन हैं उसमें, अगर उससे पहले आपको शायद पता होगा राइनॉक्स ने मेरे को एक बॉक्स भेजा था, उस बॉक्स को अनबॉक्स काइंड ऑफ अनबॉक्स मैंने थोड़ा सा खोल के देख लिया था सामान क्या क्या है, आपको शायद इंस्टाग्राम पर भी दिखाया था, और अगर आपने रील नहीं देखी तो इंस्टाग्राम पर जाके आप देख सकते हैं। तो उसमें जो सामान था आज आपको इन डेप्थ दिखाता हूँ क्या क्या सामान था, और नई राइड से पहले वो सामान यार बहुत ज़रूरी था। तो ये रहा बॉक्स, और बॉक्स को देख सकते हैं, मैंने इसको टेपिंग वगैरह तो इसकी खोली दी थी क्योंकि जब रील बनानी थी तो उसको खोलना पड़ा। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या, अभी खोलते हैं इसको बैठ के। तो भाई अब कैसे हो सब, और ये रहा बॉक्स जिस बॉक्स की मैं बात कर रहा था, आपको भी दिखाई दिया था। वैसे तो बॉक्स में जो चीज़ें हैं वो मैंने थोड़ी सी खोल ली थी क्योंकि मेरे को ट्राई भी करनी थी, मगर मेरे को आपको दिखानी थी, तो इसलिए मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाते हैं। और शुरुआत करता हूँ इससे, सबसे पहले अब ये दिस बैग डजन नीड एनी इंट्रोडक्शन, ये है राइनॉक्स मैग्ना पॉड, 21 लीटर्स का आता है, एक्सपेंड होके यहाँ से एक्सपेंशन जिप्स होती है, 28 लीटर का हो जाता है। साइड पॉकेट्स दिस साइड लेफ्ट और राइट दोनों में, फ्रंट में इसके ट्रांसपेरेंट स्क्रीन रहती है, यू कैन पुट योर मोबाइल एंड यूज फॉर नेविगेशन। बाकी अंदर कंपार्टमेंट कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे पॉकेट है, एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस। इसके साथ आता है इसका एक वाटर प्रूफ कवर और कुछ स्ट्रैप्स, ये स्ट्रैप्स काम आती है अगर आपका टैंक मेटल का नहीं है, फाइबर का है, जैसे आपका KTM एडवेंचर का होता है, उस पर आप इसके साथ बांध सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो यूज इट एज अ टेल बैग। तो कहते हैं इनको टैंक बैग है मगर काफी मल्टीपल यूजेस होते हैं, मैं आपको अपनी ट्रिप में एक दिखाऊं, किसी ट्रिप में दिखाऊंगा इसको एज अ टेल बैग यूज करके। और वेरी ड्यूरेबल, वेरी नाइस, और जो इसके मैग्नेट्स हैं, ये मैं बताना भूल गया, इसके जो मैग्नेट्स हैं चार पॉइंट्स आते हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, इट्स वे टू स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग रहते हैं, बहुत अच्छी ग्रिप बना के रखते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गया राइनॉक्स मैग्ना पॉड। सेकेंड थिंग कम्स द ग्लव्स, तो ये है राइनॉक्स अर्बन एक्स ग्लव्स। ग्लव्स की मेरे को बहुत जरूरत थी क्योंकि जो मेरे बीबी जी के ग्लव्स है वो एकदम कैंसर की लास्ट स्टेज में पहुंचे हुए हैं। तो ये रहे ग्लव्स, दीज ग्लव्स लुक सो नाइस, मैं आपको एक बार पहन के दिखाता हूँ उसका लुक कैसा आता है। ऐसा लुक आता है ग्लव्स का, यहाँ पे प्रॉपर आपका ये नकल्स है, और सबसे मेन बात नॉक्स का प्रोटेक्शन है आपके पाम पे, क्योंकि जब भी क्रैश होता है, इन केस ऑफ अ क्रैश दिस एरिया इज अफेक्टेड फर्स्ट, तो नॉक्स प्रोटेक्शन है यहाँ पे और यहाँ पे, तो बहुत ही सही चीज़ है। फॉर टच मोबाइल टच यहाँ पे ये है, और टच सेंसर के लिए यहाँ पे भी है, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों में। ठीक है जी, एम्पल अमाउंट ऑफ वेंटिलेशन यहाँ से यहाँ से, तो मतलब गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, एंड यू कैन यूज इट इन अदर वेदर्स एज वेल, नीचे डीकैथलॉन का फ्लीस डालिए एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है जी, तो ये फुल गॉन्टलेट नहीं है, ये मिड राइज ग्लव्स बोलते हैं इसको, तो ये आपके यहाँ तक आ जाते हैं एंड काफ़ी हैंडी और ड्यूरेबल रहते हैं, स्पेशली तो समर्स और थोड़ा रेनी सीजन होता है उसमें काफ़ी अच्छा रहता है। द मटेरियल यूज इज क्वाइट स्किन फ्रेंडली, तो आई डोंट थिंक ये स्किन पे स्क्रैचेस डालेगा। वेलक्रोज हैं काफ़ी नाइस, ठीक है जी, यहाँ पे भी ये जो पाइपिंग है जो मटेरियल यूज़ करा है ये आपका जो हाथ है उस पर स्क्रैचेज डालेगा, क्योंकि नए ग्लव्स होते हैं कई बार यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, आपने देखा होगा। तो ग्लव्स हो गए, टैंक बैग हो गया, नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस बॉक्स, राइडिंग पैंट। राइडिंग पैंट है ये, और दिस इज राइनॉक्स एडवेंटो राइडिंग पैंट, और राइनॉक्स की जितनी भी सीरीज है ना ये मेरी पर्सनल फेवरेट है हमेशा से ही, राइनॉक्स एडवेंटो। रीजन बिहाइंड दिस, यू कैन यूज इट इन एनी सीजन, इसके नीचे एक विंटर लाइनर आता है वो डाल के आप इसको विंटर्स में भी यूज कर सकते हैं, इसका वेंटिलेशन समर्स में इतना अच्छा आता है। और सबसे मेन बात मेरे को ये पैंट पसंद क्यों, एडवेंटो इसकी फिटिंग बहुत औसम आती है, सो
अगेन लेट्स टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन, लेवल टू प्रोटेक्शन एट द नीज, लेवल टू प्रोटेक्शन यहाँ पे भी है. और दिस पैंट लुक्स रियली ऑसम. जिपर पॉकेट्स ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट हैंड साइड. पीछे ये अटैचमेंट है ताकि आप अपनी जैकेट से अटैच करके पूरा एक सूट बना सकें. मैंने हालांकि आज तक ऐसा करा नहीं, बट आई विल ट्राई समडे डेफिनेटली. इलास्टिक्स एट द कॉर्नर एंड द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल इज सो नाइस. यहां से यू कैन ओपन अप द पैंट फॉर वेंटिलेशन इन समर्स. ये पूरा ओपन हो जाता है, यहाँ पे पूरा मैश है सो दैट गुड एयर फ्लो विल कम. बाकी तो यहाँ पे भी जिप्स है, नीचे वेलक्रो है. और ये जो नीचे जिप है ये वाली, इसको ओपन करके यू कैन एडजस्ट योर नी प्रोटेक्टर एज वेल. सो अगेन थैंक यू राइनॉक्स फॉर सच वंडरफुल स्टफ. और अभी आते हैं जैकेट पे. सो दिस इज अगेन अर्बन एक्स, राइनॉक्स अर्बन एक्स जैकेट. एंड इट हैज सम कैमोफ्लेज ऑन द शोल्डर्स एंड ऑन द स्लीव्स. तो यहाँ पे पूरा ब्लैक है, ये मैश है. तो ये इसको हम एक समर जैकेट बोल सकते हैं. दिस इज नॉट अ विंटर जैकेट. और अगेन यू कैन यूज इट इन विंटर्स एज वेल. देखिए यूज सब चीज रहती है. आप नीचे जो है इसका विंटर वाला लेयरिंग वो डालिए और यू आर गुड टू गो यार. इतना तो कोई दिक्कत नहीं होता. कॉलर्स पे कई बार मैंने देखा है, जैकेट आप नहीं लेते हो ना तो कॉलर्स पे यहाँ पे जो स्टफ होता है वो आपके स्क्रैचेस डाल देता है नेक पे. तो ये जो मटेरियल यहाँ पे है, सो सॉफ्ट लाइक अ कुशन. सो दिस इज द बेस्ट थिंग. वेलक्रोज, नाइस वेलक्रोज, नाइस जिप्स. और अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की. तो बैक प्रोटेक्शन है लेवल टू, शोल्डर प्रोटेक्शन लेवल टू, एंड जो एल्बो प्रोटेक्शन है वो भी लेवल टू. और सबसे अच्छी बात यार, इस जैकेट में आपका चेस्ट प्रोटेक्टर्स भी आता है, वो आई थिंक लेवल वन है. सो दिस इज द लुक ऑफ द जैकेट. ये पीछे से ऐसा है ब्लैक और फ्रंट से भी. अभी शायद सही से दिख नहीं पाएगा. मैं इनको पहनूंगा पूरे सेट को और फिर आपको दिखाऊंगा एक बार कि कैसा लगता है सारा का सारा. ये इट लुक्स क्वाइट अमेजिंग. और अगेन अगर फिटिंग की बात करूँ तो अर्बन एक्स जैकेट की फिटिंग भी यार बहुत अच्छी आती है. तो कुल मिला के राइनॉक्स एडवेंटो पैंट एंड दिस वन, इट विल मेक अ वेरी स्मार्ट फिट. आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में पहन के. सो अगेन आई थैंक यू राइनॉक्स सो मच फॉर सेंडिंग सच ब्यूटीफुल स्टफ बिफोर माई ट्रिप. मेरी ट्रिप आने वाली थी और उससे पहले मेरे को थोड़े से राइडिंग ईयर्स में अपग्रेड चाहिए था. लेट्स गो विद द न्यू राइडिंग ईयर्स ऑन अ न्यू ट्रिप. ठीक है जी, अभी इसको पहन के आपको दिखाता हूँ और आप देख सकेंगे कि फिटिंग कैसी आती है सारी चीज़ें. एंड देन इफ यू फील यू कैन परचेज इट फ्रॉम राइनॉक्स वेबसाइट एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, द प्राइस एंड एवरीथिंग. सबसे अच्छी चीज़ राइनॉक्स की मेरे को ये लगती है यार, विद देयर ग्लव्स, विद देयर जैकेट्स, विद देयर पैंट्स, दे गिव 50,000 ऑफ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस. हाँ जी, यू हर्ड इट राइट, 50,000. आई डोंट थिंक एनी अदर राइडिंग गियर ब्रांड डज दिस. तो दिस इज द वेरी गुड थिंग, वेरी नाइस इनिशिएटिव बाय राइनॉक्स. गॉड फॉरबिड किसी को उसकी जरूरत पड़े. मैं तो ये चाहता हूँ यार 50,000 हो चाहे 1 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, उसको क्लेम करने की जरूरत किसी को ना मिले, किसी का क्रैश ना हो. राइड सेफली, इन्वेस्ट इन गुड राइडिंग ईयर्स. इन्वेस्टिंग इन गुड राइडिंग ईयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट माई फ्रेंड्स. आप बाइक पे खर्चा करते हैं ना, आप बाइक पे एसेसरीज लगाते हैं, मैं कहता हूँ बाइक पे आप थोड़ा सा कम खर्चा कर लो मगर राइडिंग ईयर्स पे बिल्कुल भी लीनियंट मत रहिए. राइडिंग ईयर्स आर मस्ट. तो भाइयों, जैसे मैंने आपको बताया था कि घर में पहन के थोड़ा राइडिंग ईयर दिखाना मुझे थोड़ा बोर सा लगता है और थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह की भी ऐसी रहती है. बाकी देखिए ये है राइडिंग ईयर की फिटिंग, एकदम परफेक्ट फिट है. जैकेट एल साइज लिया है मैंने, जो अर्बन एक्स है, राइनॉक्स अर्बन एक्स. और जो एडवेंटो पैंट है वो भी एल साइज. तो समर के लिए दिस इज परफेक्ट, एकदम परफेक्ट फिट आया है एकदम. ये देखिए, ये आपका साइड हो गया, ये आपका बैक फिटिंग है और ये इस साइड से. तो एकदम बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग में आई है. ये चीज़ मेरे को काफ़ी टाइम से चाहिए थी क्योंकि थोड़े से लूज राइडिंग ईयर्स होते ना तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है मेरे को. तो फिटिंग रहती है तो सही रहता है. हालांकि एकदम टाइट भी नहीं होने चाहिए क्योंकि आपको मूवमेंट में फिर प्रॉब्लम होती है. आप राइड से पहले उसको थोड़ा सा ट्रायल दे लीजिए, जैसे 5-10 किलोमीटर का रन हो गया या वीकेंड राइड पे 1-2 वीकेंड पे पहन लीजिए तो वो थोड़े से आपको फिट हो जाते हैं. तो मैं ये पिछले वीक भी मैंने थोड़ा सा डाला था, मतलब घर में डाला था 5-10 मिनट के लिए, और आज डाला है. एक इस पे शॉर्ट राइड और करूँगा, मतलब संडे राइड, तो एकदम सही हो जाएगा. तो जो इसके लिंक्स हैं दोनों के वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
जैकेट का लिंक और जो आपकी राइडिंग पैंट है, ग्लव्स और टैंक बैग। टैंक बैग ये रहा राइनॉक्स मैग्ना पॉड। तो ये मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा सा पास आ जाइए। तो ये मैं आपको बता रहा था कि टैंक बैग के जो मैग्नेट से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी ये जो नी पैड लगा हुआ है इस पर, इस वजह से थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम आएगी, मगर इसके जो मैग्नेट्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। सो परफेक्ट फॉर योर ट्रिप। यू कैन कीप योर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स एवरीथिंग इन दिस। पावर बैंक वगैरह सब इसमें रख सकते हैं, बिल्कुल आराम से आ जाता है। बाकी इसके अंदर मैं ग्लव्स भी रख के लाया हूँ, अभी मेरा सारा सामान इसमें पड़ा है। तो जी ज़्यादा राइडिंग ग्लव्स ये मैंने आपको शायद पहन के दिखाई दिया था। तो आई थिंक सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। मेरे को मेन था कि आपको एक बार पहन के दिखा दूँ कि फिटिंग कैसी आती है इसकी। बाकी बाइक मैंने आज सुबह वॉश कराई थी, सो इट्स शाइनिंग लाइक अ क्वीन। बाकी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। और दिस इज़ माई 120 ईयर इंटरसेप्टर एडिशन हेलमेट, जो कि मेरी वाइफ ने मेरे को गिफ्ट दिया था। वही अभी इस वीडियो में हमको शूट करने में भी हेल्प कर रही हैं। ठीक है जी, तो दिस इज़ द हेलमेट। इट लुक्स सो नाइस, इट्स स्पेशली मेड फॉर इंटरसेप्टर। कैसा लगा आपको हेलमेट और बाइक और सारी चीज़ें? और आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यार बाइक आज इतनी ज़्यादा शाइन कर रही है ना, और मैंने इस पर कोई पॉलिश या कुछ नहीं लगाया। इट्स रियली ऑसम। मार्क टू की अपनी अलग बात है। तो यार वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरे पास एक और गिफ्ट आया है सहारा सीट्स की तरफ से, बहुत ही अमेजिंग पैकेज है वो मैं आपको कल या परसों में दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।